Hello everyone, a very good morning to all of you. So today's topic is payment of Gratuity Act 1972. ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट अप विद द टॉपिक, ग्रेचुटी का मतलब भी पता होना चाहिए कि आखिर ये ग्रेचुटी होता क्या है. ग्रेचुटी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम होती हैं, उसी तरह का एक बेनिफिट या एक तरह का गिफ्ट होता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है. इतने सालों तक एम्प्लॉय ने टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूस सर्विसेज रेंडर की है, जिसके बदले में एक लमसम पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जिसका बेनिफिट वो जो कि एम्प्लॉय है एट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जब वो एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ के जा रहा है उसका इस्तेमाल कर सकता है. तो क्या हम कह सकते हैं ग्रेचुटी इज अ गिफ्ट और रिवॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय? बिल्कुल कह सकते हैं. और कोई बात, इट इज होली बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1971. लेकिन ये इफेक्ट में कब से आया? इट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 1972. मतलब ग्रेचुटी एक्ट दो बेस्ड है, वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1971, पर ये इफेक्ट में फ्रॉम 16 सितंबर 1972 से आया. ठीक है, ये तो बात हुई ग्रेचुटी की. नाउ एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि ये ग्रेचुटी एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, किन किन जगह पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसके बारे में जान लेते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट अप्लाई करेगा हर फैक्ट्री में, हर माइन में, हर ऑयल फील्ड में, हर पोर्ट में, हर रेलवे कंपनी में, जहाँ पे 10 और मोर पर्सन, ध्यान दीजिएगा, 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड हो रहे हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ में. मतलब हर जगह, हर फैक्ट्री, हर माइन, हर ऑयल फील्ड, हर पोर्ट, हर रेलवे कंपनी जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ में. एक और बात, क्या अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से घट जा रहे हैं तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. इससे कोई रेलिवेंस नहीं है कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय घट जा रहे हैं, स्टिल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ग्रेचुटी एक्ट वुड रिमेन एप्लीकेबल. तो हम कह सकते हैं वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल. ठीक है, एक और बात, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी अलग एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा था वहाँ पे भी ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई करवा सकता है, पर उस एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को एक नोटिस इन एडवांस देना पड़ेगा ताकि वो एम्प्लॉयर भी वेल एकस्टम्ड हो जाए विद द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. मतलब कि गवर्नमेंट को थ्रू नोटिफिकेशन या नोटिस के माध्यम से इंटीमेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. ठीक है, हमने बात की एप्लीकेबिलिटी ऑफ के एक्ट बारे में. 10 और मोर पर्सन जहाँ एम्प्लॉयड होते हैं वहाँ ये एक्ट अप्लाई करेगा,
वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कहीं और भी अप्लाई करा सकता है, पर एक नोटिस इन एडवांस देने की ज़रूरत पड़ेगी। एम आई क्लियर? नाउ आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे तो वो अगर बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू लोकल अथॉरिटी हो या वो एस्टैब्लिशमेंट अंडर एनी अदर केस फॉल कर रही हो, इन तीनों के ही केस में हर वो इंसान जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो ओवर द अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो मैनेजर के रूप में जाना जाए, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाना जाए, चाहे वो एनी अदर पर्सन के रूप में जाना जाए। बोलने का मतलब ये है कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में हो या किसी और केस में भी फॉल कर रही हो, हर वो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें अल्टीमेट कंट्रोल मैनेजमेंट का, डे टू डे अफेयर्स का जिसके पास होगा, वो ही इंसान एम्प्लॉयर कहलाएगा, चाहे वो मैनेजर के रूप में हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाना जाए या किसी भी और पर्सन के रूप में जाना जाए। ठीक, नेक्स्टली एम्प्लॉयी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयी का मतलब वो इंसान जो कि काम कर रहा हो अदर देन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी, मतलब एम्प्लॉयी मीन्स अदर देन अप्रेंटिस दैट इज ट्रेनी, एनी अदर पर्सन फॉर परफॉर्मिंग स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्क फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच मे बी आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, हर वो इंसान जो काम कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, जिसके बदले में उसे पेमेंट मिल रही हो और उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है एक्सप्रेस्ड हो, इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो इंसान एम्प्लॉय कहलाएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, पर्सन होल्डिंग पोस्ट अंडर सीजी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉई। तो क्या उन्हें एम्प्लॉई नहीं माना जाएगा? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के अंडर या उनके अंडर जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनका प्रोविजंस गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से बेस्ड रहेगा। इसके ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से उन्हें एम्प्लॉई एज पर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर? नाउ अलग टॉपिक जो आपसे हम डिस्कस करेंगे या जिसका मीनिंग अब डिस्कस करना है वो है फैमिली। फैमिली का मतलब एज पर प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट क्या होगा? फैमिली का डेफिनेशन एज पर ग्रेचुटी एक्ट, अगर मेल वर्कर है उस केस में वो हिमसेल्फ, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, किसके, दोनों हस्बैंड एज वेल एज वाइफ के चिल्ड्रन
या तो चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, मतलब मेल वर्कर अगर है वो खुद उसकी वाइफ, मेल वर्कर के पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स डिपेंडेंट पेरेंट्स होने चाहिए, निर्भर हो जाए, डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन ऑफ देम और द चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन। सिमिलरली अगर फीमेल वर्कर है तो सेम, फीमेल वर्कर हरसेल्फ हस्बैंड, डिपेंडेंट पेरेंट्स, चिल्ड्रन या चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, ठीक है। नाउ एक और टर्म के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, सुपर एनुएशन एक टर्म आप सुनेंगे, सुपर एनुएशन, इसका क्या मतलब होता है? सुपर एनुएशन का मतलब होता है एम्प्लॉई के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक एज फिक्स की जाती है कि ऑन अटेनमेंट ऑफ सच एन एज एम्प्लॉई हैज़ टू वेकेट द एम्प्लॉयमेंट या सर्विस जो है उसकी, माना जाएगा कि हैज़ कम टू एन एंड। एम्प्लॉयमेंट में एक टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, उस अग्रीमेंट में एक एज लिखी जाती है कि जिस एज को अचीव करने के बाद एम्प्लॉई को अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा, मतलब अटेनमेंट ऑफ एन एज ऑन विच एम्प्लॉई हैज टू वेकेट द ऑफिस, ठीक है। ये तो बात हुई सुपर एनुएशन की। नाउ क्या सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट एक होता है? बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट ऑन द अदर हैंड, जब सर्विसेज एंड हो रही हैं अदर देन द रीजन ऑफ सुपर एनुएशन, उसे रिटायरमेंट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ एक और टर्म के बारे में जानकारी लीजिए, वेजेस। फॉर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वेजेस का मतलब क्या होगा? ऑल द पेमेंट विच द एम्प्लॉयर इज गिविंग टू द एम्प्लॉई, ऑल द पेमेंट विच द एम्प्लॉयर इज गिविंग टू द एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज एंड इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो अमाउंट दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डियरनेस अलाउंस को, वो भी इंक्लूड किया जाएगा वेजेस के डेफिनेशन में। ध्यान दीजिएगा, वेजेस में ऑल द पेमेंट्स मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई and includes DA but does not include, ध्यान देने वाली बात है किन किन चीज़ों को include नहीं किया गया है, all other benefit जो कि employer अगर employee को दे रहा है in the form of medical, transport, traveling, HRA, कोई भी अलग परक्यूजिट, इवन फूड वैल्यू या वैल्यू ऑफ फ्री फूड जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एमिनिटी, ये वेजेस के डेफिनेशन में या वेजेस का पार्ट नहीं फॉल करेगा। वेजेस में केवल मंथली पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है प्लस डियरनेस जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए दिया जा रहा है वही इंक्लूड किया जाएगा वेजेस के डेफिनेशन में। एम आई क्लियर? और कोई भी अमाउंट जो कि या पेमेंट जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है,
वो कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेजेस के डेफिनेशन में, ठीक है। नाउ अब कुछ हम टर्म्स के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी किसको मिलेगी? ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिलेगी। किस एम्प्लॉय को मिलेगी? हु हैज रेंडर्ड अ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। मतलब उसे कम से कम 5 कंटिन्यूअस सर्विसेज ईयर्स के लिए सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेंगी और तब जाके उसे ग्रेच्युटी का इंटाइटलमेंट मिलेगा। तो क्या इसका मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलेगा? एक्सेप्शन है, यानी कि ये 5 ईयर्स वाला क्राइटेरिया रेलिवेंट नहीं है अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय को टेम्पोररी डिसेबलमेंट अराइज होता है जिसके कारण, टेम्पोररी डिसेबलमेंट मतलब जिसके कारण वो काम करने में असमर्थ हो रहा है जो वो प्रीवियसली कर पा रहा था बिफोर द अकरेंस ऑफ सच अ एक्सीडेंट। मतलब कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी फॉर 5 ईयर्स। एक्सेप्शन है ऑफ 5 ईयर्स किस केस में? एग्जैक्टली डेथ के केस में या तो टेम्पोररी डिसेबलमेंट के केस में, ठीक है। इस केस में एक्सेप्शन है। नाउ ये तो बात हुई कंटिन्यूअस सर्विस की, एक टर्म पढ़ेंगे अब हम डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसमें भले एम्प्लॉई कंटिन्यूअस सर्विस में ना रहा हो फिर भी माना जाएगा या प्रज्यूम किया जाएगा कि एम्प्लॉई हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉई मानिए साल भर काम नहीं कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट में, कुछ नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, तो उसमें उसको कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज काम करना पड़ेगा फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ ग्रेच्युटी? देखिएगा, इफ एन एम्प्लॉई इज नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 1 ईयर बट इफ ही हैज वर्कड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही वुड बी इंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है। मतलब कुछ नंबर ऑफ डेज उसे काम करने पड़ेंगे जिसे माना जाएगा कि वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है। कितने नंबर ऑफ डेज है या क्या कैटेगरी है देखिएगा, 3 कैटेगरी है। ग्राउंड वेयर माइनिंग ऑपरेशन कैरी ऑन किया जा रहा है, या तो फिर एस्टैब्लिशमेंट जो कि ऑपरेट कर रही हो लेस देन 6 डेज इन अ वीक। तीसरी कैटेगरी है अदर केस की, ग्राउंड जहां माइनिंग ऑपरेशन कैरी ऑन किया जा रहा है या माइन बिलो ग्राउंड, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेज काम करना पड़ेगा ताकि इंटाइटलमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रहे? 190 डेज। एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेट लेस देन 6 डेज इन अ वीक के केस में 190 डेज। एनी अदर केस के केस में 240 डेज। मतलब इन तीनों के केसेस में भले आप साल भर काम ना कर रहे हो, अगर आप इतने मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर काम कर रहे हो यू वुड बी इंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी। दैट इज एम्प्लॉई वुड बी इंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी
प्रोवाइडेड ही हैज़ वर्क फॉर मिनिमम नंबर ऑफ दीज डेज। एक और बात ध्यान दीजिएगा, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज के कंप्यूटेशन के लिए कुछ डेज हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है, कुछ नंबर ऑफ डेज है, भले आप एस्टैब्लिशमेंट में नहीं आए पर माना जाएगा यू वेयर, या उन वर्किंग डेज में आपकी गिनती जोड़ी जाएगी। कौन कौन से वो दिन है ध्यान दीजिएगा, लेड ऑफ के केस में, ठीक है, लीव विथ वेजेस के केस में, टेम्पोररी डिसेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में, और कुछ मैटरनिटी लीव के केस में। मतलब ये फॉलोइंग डेज हैं कि भले आप एस्टैब्लिशमेंट में ना रहे फिर भी ये सारे दिन इंक्लूड किए जाएंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम डेज, जिसके बारे में अभी हमने बातचीत की, 190 और 240, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। मिसेस एक्स इज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड, she has been worked for 150 days and has taken maternity leave for 50 days. Establishment that is ABC Limited operates less than 6 days. तो इस केस में देखिएगा, मिसेज एक्स वर्क कर रही है एबीसी लिमिटेड में, कितने नंबर ऑफ डेज उसने वर्क किया है, 150 डेज वर्क किया है। ध्यान दीजिएगा एस्टैब्लिशमेंट कौन सी है, लेस देन 6 डेज अगर काम कर रही है इन अ वीक में, तो उस केस में कितना मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 190 डेज इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें उसको काम करना पड़ेगा। बट हाउ मेनी डेज शी हैज एक्चुअली वर्क, शी हैज वर्क फॉर 150 डेज। और एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैटरनिटी लीव इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग डेज, तो विच कम्स अप टू 150 + 50 इज इक्वल टू 200 डेज। सो मिनिमम क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, शी विल बी इंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर एबीसी लिमिटेड ऑपरेट कर रही है फॉर मोर देन 6 डेज, या एनी अदर केस में अगर वो फॉल कर रही है, उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 240 डेज। तो क्या उस केस में भी मिसेज एक्स को ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल्ड कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ एडिंग द मटर्निटी लीव द मिनिमम नंबर ऑफ डेज कम्स अप टू 200 डेज। हाउएवर द क्राइटेरिया इज कि उसे कम से कम 240 डेज काम करना पड़ेगा तभी जा कर के वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल्ड रहेगी। ओके, नाउ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, ये कौन सी इस्टैब्लिशमेंट होती है, इस्टैब्लिशमेंट जो थ्रू आउट द ईयर काम ना कर रही हो वो सीजनल इस्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है। उसके एम्प्लॉय को क्या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उस केस में अगर
employee has worked for 75% of the number of days, unit was in operation. उस केस में ग्रेच्युटी का इंटाइटलमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है? नाउ ये तो बात हुई सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की. नाउ विल बी डिस्कसिंग फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी. क्या ग्रेच्युटी फोरफीट भी की जा सकती है? बिल्कुल, ग्रेच्युटी कैन बी फोरफीटेड या तो होली या तो पार्टली. मतलब अगर एम्प्लॉयर चाहे तो पूरा का पूरा ग्रेच्युटी का पैसा जब्त हो सकता है, कुछ कंडीशन है, या पार्टली भी कई बार पेमेंट को काटा जा सकता है. कब ग्रेच्युटी या ग्रेच्युटी का अमाउंट कब फोरफीट हो सकता है, कुछ ग्राउंड्स हैं. पार्टली कब फोरफीट होगा? अगर एम्प्लॉई हैज़ इंडल्ज्ड इनटू वायलेंट बिहेवियर या तो फिर डिस्ट्रक्शन कॉज किया है या तो नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है, उस केस में उस हद तक डैमेज जिस हद तक डैमेज एम्प्लॉई ने इनकर किया है उस हद तक पेमेंट काट करके बाकी का पेमेंट किया जाएगा. मतलब इस केस में पार्शियल फोरफीचर होगा. ठीक, अब कई सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे ग्रेच्युटी पूरा का पूरा फोरफीट किया जा सकता है. किस केस में? देखिएगा, मॉरल टर्पिट्यूड के केस में. मतलब अगर एम्प्लॉई ने कुछ ऐसा किया है जिसके तहत उसको क्रिमिनली ऑफेंसिव माना जा सकता है या उसे जेल हो सकती है, उस एक्ट के लिए ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉई का पूरा फोरफीट किया जा सकता है. मतलब ओनली फोरफीटेड. इसके ऊपर एक केस भी आया हुआ है, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर. मतलब भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर में ये बोला गया है, इफ़ एन एम्प्लॉई हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, उस केस में ग्रेच्युटी का पैसा पूरा का पूरा फोरफीट किया जा सकता है. रिलेटेड टू द सेम प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेच्युटी कई और केस लॉज आए हैं जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे. वजीर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. इस केस में क्या हुआ था? सुपर एनिमेशन के बारे में हमने आपसे बात की है. हाँ, अटेनमेंट ऑफ एन एज जब एम्प्लॉई को अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा. वजीर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था? इवन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सुपर एनुएशन या वो एज जो कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म में फिक्स थी या अग्रीमेंट में फिक्स थी, एम्प्लॉई ने उसे जो क्वार्टर दिया गया था टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द्वारा, अगर किसी एम्प्लॉई को रहने के लिए क्वार्टर दिया जा रहा है और वो क्वार्टर इवन आफ्टर अगर सुपर एनुएशन के बाद भी एम्प्लॉई अगर खाली नहीं करके दे रहा है, उस केस में अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो जो रेंट का पैसा है जो कि सुपर एनुएशन के बाद कंटिन्यू इनकर करना पड़ रहा है, वो पैसा काट करके ग्रेच्युटी अमाउंट में से एम्प्लॉई के बाकी का बैलेंस पे करेगा. इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई गलती नहीं है एम्प्लॉयर की. एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है. तो वजीर चंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया है, एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रेंट इफ एम्प्लॉई फेल्स टू सरेंडर द क्वार्टर इवन आफ्टर सुपर एनुएशन. बोला गया है देयर वुड नॉट बी
एनी इलीगैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। सिमिलरली एक और केस आया हुआ है, ट्रैवनकोर